हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है मोनू जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। आपको इंस्टाग्राम ओपन करते ही फ्रेंड्स आपको प्रोफाइल पेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट दिखाई देंगे, उसको क्लिक करना है आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद प्राइवेसी पे सेलेक्ट कर लेना फ्रेंड्स। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको रील्स एंड रिमिक्स में क्लिक कर लेना फ्रेंड्स। और इतना क्लिक करने के बाद आपको सबको एलो कर देना फ्रेंड्स। और रिकमेंडेड ऑन फेसबुक पे भी ऑन कर लेना फ्रेंड्स। और इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है फ्रेंड्स। और बैक आ जाने के बाद आपको फ्रेंड्स ये कॉमेंट्स को एवरी वन पे सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। और आपको मैंशन भी एवरी वन पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। और इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है फ्रेंड्स। और आपको हर रोज़ 2 से 3 रील्स पोस्ट करना है फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर रेगुलरली वर्क करना पड़ेगा आपको अकाउंट पे, तो आपको अकाउंट रीच ज़्यादा आएगी, तो आपको वहाँ से फॉलोअर्स और अकाउंट रीच भी ज़्यादा होगी फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 27 डेज में मेरी रीच बहुत ही कम है। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं डाल रहा, इसलिए मेरी ये रीच कम हो गई है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरीज, देख सकते हैं रील्स रीच कम हो गई फ्रेंड्स। और आपको ऑर्गेनिकली आपको खुद से फॉलोअर्स ग्रो करना है फ्रेंड्स। कोई भी वेबसाइट या फेक फॉलोअर्स बढ़ाने से आपका अकाउंट डेड हो जाएगा। आपको ये नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको खुद से दम से आपको इंस्टाग्राम को और सभी फ्यूचर को उपयोग करना है फ्रेंड्स। जैसे आपको रील्स, पोस्ट, स्टोरी, स्टोरी हाईलाइट, लाइव, ये सभी ऑप्शन को यूज़ करके आपको डेली कंटेंट डालना है फ्रेंड्स। इससे आपके अकाउंट भी रीच मिलेंगे और आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको हर दिन 2 से 3 रील्स डालना है फ्रेंड्स। आपको ये रील्स यूनिक सा डालना है फ्रेंड्स, सबकी तरह कोई भी रील्स उठा के नहीं डालो फ्रेंड्स। और ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ करो फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत ही अकाउंट की रीच बढ़ेगी और इससे आपके रील्स में लाइक्स और फॉलोअर्स भी आएंगे। मैं ट्रेंडिंग म्यूजिक कैसे सर्च करते हैं वो आपको बता दूंगा। आपको रील्स वाले सेक्शन पे सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग एरो का एरो नहीं दिखा रहा है, तो आपको इसको नहीं सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। इसको भी नहीं सेलेक्ट करना है, इसे भी नहीं सेलेक्ट करना है। इसको यहाँ पर आपको दिखाई देगा एरो, तो इस म्यूजिक पे सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी ओरिजिनल रील्स को 374,000 है व्यूज़। इस रील्स को आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर सेव करना और यहाँ पर यूज़ ऑडियो पे सेलेक्ट करके इस रील को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस रील्स यूज़ करने से, इस ऑडियो को यूज़ करने से आपकी फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और आपको रील्स को अच्छा रिस्पांस भी मिल सकता है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी टॉपिक है उससे ट्रेंडिंग ऑडियो सेलेक्ट करें और उसका उपयोग करके रील्स अपलोड करना है फ्रेंड्स। आपको कैप्शन लिखना है फ्रेंड्स अपनी रील्स में, और 30 हैशटैग लिख के अपने वीडियो से रिलेटेड, और आप कैप्शन टैग भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको कोलैबोरेट भी कर सकते हैं फ्रेंड लोगों को, तो आपको रीच बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो जब तक जुड़े रहिए, ओके बाय, टेक केयर।